हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे हरे प्याज और आलू की ऐसी सब्जी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। लंच बॉक्स के लिए इजी रेसिपी है। आप इसे पराठे और रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत अच्छी लगती है और 5 मिनट में दोस्तों ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आइए दोस्तों, अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर हरी प्याज ले ली है और थोड़े से आलू ले लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो हरी प्याज की प्याज होती है उसको मैंने थोड़ा सा आधा काट लिया है और आधा मैंने हरे प्याज के संग मिक्स कर दिया है। लहसुन और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ले लिया है। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है तेल में। इन दोनों को हम थोड़ा सा सिकने देंगे ताकि जीरा और जो हींग है वो अच्छे से सिक जाए। अब मैंने थोड़ी सी इसमें प्याज डाल दी है। अगर आप हरे प्याज वाली प्याज यूज़ ना करना चाहें तो नॉर्मल प्याज भी आप इसमें ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज डाल दी है और इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकते रहेंगे ताकि इसका कलर है वो चेंज ना हो और ये पक भी जाए। बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। आप 5 मिनट में इसे आसानी से कभी भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और हरी मिर्ची डाल दी है। लंच बॉक्स के लिए दोस्तों झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। 5 मिनट में ये आसानी से बन जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इन सबको हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे। प्याज के सेकने के बाद दोस्तों मैंने इसमें आलू डाल दिया है। यहाँ मैंने एक छोटे साइज का आलू ले लिया था जिसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। एकदम आप पतला पतला भी ना काटे, हल्का सा मैंने इसको मोटा रहने दिया है। ये देखिए, इसको इसी तेल में थोड़ा सा सेकते रहेंगे प्याज के साथ ताकि आलू का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और वो थोड़ा सा ऑयल में सिक जाए। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है कलर के लिए और इसको भी हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने और कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है। अब मैंने हरी प्याज ले ली है। मैंने नॉर्मली प्याज का हरी प्याज का जो बन जाता है वो वहाँ पे इसको मैंने काट लिया है। अब मैंने इसको भी मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। नमक ध्यान रखें क्योंकि सूखी सब्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए नमक आप उस हिसाब से डालें। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हरी प्याज और आलू को अच्छी तरीके से पकने देंगे तब तक कि आलू का जो कच्चापन है वो ना चला जाए और जो हरी प्याज है या स्प्रिंग अनियन है वो हमारे अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए, हमने इसको ढक दिया है। ढकने के बाद मैं वापस देखूंगी, अभी थोड़ा सा आलू कच्चा और है। हम इसको वापस ढककर और पकाएंगे। लगभग हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। आप ध्यान रखें क्योंकि आलू को ऑलरेडी हम तेल में कर चुके हैं तो इसको पकने में सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ये देखिए, वापस मैंने इसे ढक दिया है। 2 मिनट के लिए हम इसे वापस ढक देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। ये देखिए, आलू जो है वो हमारा अच्छी तरीके से हो गया है। अगर आपको आलू में और कच्चापन लगे तो आप इसको और भी ढककर 1-2 मिनट के लिए पका सकते हैं, लेकिन आलू जो है वो अच्छी तरीके से पक गया है। आप एक बार उसको तोड़ कर देख लें। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लाल मिर्ची का पाउडर यहाँ ऐड कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाला है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप लाल मिर्ची अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। पराठे या रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप इसे सादा गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे हरे प्याज की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें। इस झटपट बनने वाली प्याज की रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें और रेसिपी को एंजॉय ज़रूर करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लंच बॉक्स के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। 5 मिनट में आप झटपट से सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप कभी कोई गेस्ट
टेस्ट आ जाए या नॉर्मली आपको भूख लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप एक बार इस तरीके से हरे प्याज की सब्जी आप बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। रेसिपी को एंजॉय कीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लेकिन आप बनाइएगा जरूर, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं रहेगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।